हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3F क्लास 9th भारती भवन से प्रश्न संख्या 9, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि सर्वसमिका की सहायता से सरल करना है, यानी कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला को यूज करते क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, बहुत सरल करना है और सरल तरीके से समझ जाएगा। सरल है क्वेश्चन एकदम बिल्कुल। देखिए कैसे, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 0.65 × 0.65 है। जैसे अगर आपको हम बोले कि 2 × 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि अगर 0.65 × 0.65 है तो 0. क्या करेंगे, 65 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस वही बात इधर भी, 0.35 × 0.35, तो यहाँ पर 0.35 का भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए नीचे वाला पार्ट जो है एडजेक्टिव रह जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, 0.65 − 0.35। चलिए ये पहला लाइन था, कोई दिक्कत उसमें कुछ नहीं किया, ये डबल बार था इस पर स्क्वायर लगा दिया, ये भी डबल बार गुना में था इस पर स्क्वायर लगा दिया। अब चलिए यहाँ पर क्या होगा, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे a² − b² पढ़े होंगे डिफिनेट तौर पे, यही फार्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो क्योंकि इसी फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 0.65 है और b का वैल्यू 0.35 है, तो a² − b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b × में हो जाता है a − b, यानी एक बार दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो a² − b², देखिए यहाँ पे a + b हो गया और इंटू में हो जाएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं, a − b हो जाएगा, ठीक। और बटे में एडजेक्टिव रह जाएगा 0.65 − 0.35। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। अब यहां पर देखिए आपका क्या रहा, बच क्या गया, तो 0.65 + 0.35। अभी दोनों को ऐड कर देंगे, जो हमारा ऐड होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.00, इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। इसको ऐड ऐसे किए हैं, देखिए बहुत आसान है, 5 और 5 = 10, कैरी आ गया 1, और 3 और 6 6 और 3 9 हो गया, कैरी 1 है 10, फिर कैरी 1 आ गया, फिर यहाँ से 1 आ गया, तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर ये देख लिया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 9 का b है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एक सर्वसमिका काम करेगा, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में लाने हैं जिससे पता चले कि यहाँ पे कौन सा सर्वसमिका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों सेम है, यानी कि 0.87 × 0.87 × 0.87, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.87 / q, क्योंकि यह 3 बार लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पावर क्या डाल देंगे, क्यू, फिर यहाँ से प्लस है और यहाँ भी वही कंडीशन है, तो यहाँ भी लिख देंगे 0.13 / q क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक। अब नीचे वाला पार्ट एडजेक्टिव रह जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, 0.87 − 0.87 − 0.87 × 0.13 और प्लस हो जाएगा 0.13 × 0.13। एक काम इसको कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि ये दोनों डबल है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, 0.87 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर भी लिख दीजिए 0.13 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डबल बार है ना, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ डबल बार है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, इसको कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे a³ + b³, ये a है और ये b है, तो a³ + b³ का फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, तो अब लिख देते हैं कि कौन सा फार्मूला, देखिए a³ + b³ बराबर फार्मूला होता है a + b × a²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला लगने वाला है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी है ना, ए क्यू प्लस ए प्लस बी यानी 0.87 प्लस 0.13। अब इंटू में क्या है, ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.87 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, स्क्वायर। और माइनस ए बी है तो 0.87 गुने हो जाएगा 0.13, ठीक है ना। चलिए और उसके बाद है बी स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा 0.13 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में यही रहने वाला है 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13 प्लस 0.13 के स्क्वायर। अब देखिए कि ये वाला सेम टू सेम है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये पूरा क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बच क्या गया, 0.87 प्लस 0.13, यही वाला पार्ट ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.00 यानी कि इसका भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। इसमें और सारे क्वेश्चन है, और सारे फार्मूला यहाँ पे लगाना, अगला क्वेश्चन भी यही फार्मूला पे बनने वाला है। तो बिल्कुल सर्वसमिका का यूज करके और सारे क्वेश्चंस को कीजिए, ठीक है ना। यदि आप नए नए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर मैथ आपका वीक है तो हमारे चैनल पर आइए, मैं आपको वादा करता हूँ, ये प्रॉमिस दिलाता हूँ कि आप डेफिनेट तौर पर आपका जो इस चैनल के माध्यम से मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।